हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज आलू पनीर की सब्ज़ी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पनीर ले लिया है। ये तो वैसे 200 ग्राम का डब्बा है, लेकिन इसमें 200 ग्राम नहीं रहता, इसमें होता है सिर्फ 120 ग्राम। और देखिए, मैंने यहाँ पर 3 आलू लिया है। आप चाहिए तो आलू को ज़्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो। और ये देखिए पनीर, जो इसको निकालने के बाद, और 1 इंच अदरक, 4 ग्रीन चिलीज़, 1 टमाटर मैंने लिया है। तो आलू को मैं काट लूँगी। तो तब तक देखिए, पनीर को हम हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर से थोड़ा मैरिनेट करेंगे, और उसके बाद पनीर को हम फ्राई कर लेंगे। देखिए, सभी मसाले को मैंने पनीर के साथ मिक्स कर लिया है। अभी मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। पनीर को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ज़्यादा फ्राई करने से पनीर हार्ड हो जाता है, तो हमें पनीर को सॉफ्ट ही रखना है। इसलिए हम थोड़ा सा हम इसको हल्का फ्राई करेंगे। पनीर को हम फ्राई होने के बाद सभी को निकाल लेंगे। तो पनीर हमारा हो गया है फ्राई, हम सभी पनीर को निकाल लिया है हमने। तो एक देखिए आलू, देखिए सब भी पनीर हमने निकाल लिया। आलू को हमें ज़्यादा बड़ा बड़ा करके नहीं काटा है, ऐसे क्यूब के साइज़ का काटा है। और सभी आलू को हम हल्दी और नमक के साथ फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर दे दिया है मैंने, और आधा चम्मच नमक। पांच मिनट के लिए ढक देंगे इसको। तब तक हम मसाले का घोल बनाएंगे। एक बोल में, जिसमें मैंने पनीर को मिक्स किया था, उसी बोल में मैंने पानी ले लिया है थोड़ा सा। ये थोड़ा मैं हल्दी पाउडर मिला रही हूँ। हल्दी मैंने पनीर में भी दिया था और आलू को भी फ्राई करते वक्त दिया था, तो कम ही दूंगी आलू। हल्दी, ज़ीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर मैंने एकदम कम दिया है, आधा चम्मच, और ज़ीरा पाउडर करीब 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। इसको हम हल्दी बना मतलब हेल्दी बनाएंगे, इसलिए हम इसमें ज़्यादा हल्दी मिर्च ज़्यादा नहीं देंगे। 9-7 में ग्रीन चिलीज भी हैं, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर कम दिया है। तो आलू को देखिए, आलू हमारा एक साइड से फ्राई हुआ है, अभी हम दूसरे साइड से अच्छे से फ्राई करेंगे। इसलिए हम इसको ढक के रख देंगे फिर से 4-5 मिनट के लिए, ताकि ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए और साथ में थोड़ा बॉयल भी हो जाए। आलू हमारा फ्राई हो गया है, सभी को हम निकाल लेंगे बोल में। ये जो डिश है ये एकदम वेज है, इसे हम प्याज लहसुन कुछ भी नहीं देंगे। अभी हम उसी तेल में एक ड्राई चिली को तोड़ के डाल देंगे। थोड़ा सा साबुत जीरा, 2-3 इलायची, लौंग और एक छोटा सा दालचीनी हम इसमें दे देंगे। इसको अच्छे से चलाएंगे। जब मसालों में से एक सुंदर सा स्वीट सा स्मेल आना शुरू होगा, तभी हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। अभी हम अपना टमाटो, जो हमने पेस्ट करके रखा था, वो हमने डाल दिया है। जो बड़ा एक टमाटो मैंने लिया था, उसको मैंने पेस्ट करके रखा था, तो मैंने इसको डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद हम थोड़ा सा नमक देंगे, आधा करीब आधा चम्मच,
इसको अच्छे से मिलाएंगे। अभी हम इसमें ग्रीन चिली और अदरक जो हमने कूट के रखा था वो भी डाल दिया है। देखिए डाल दिया है मैंने, इसको अच्छे से मिलाएंगे जब तक कि इसका जो रॉ फ्लेवर है चला ना जाए, तब तक हमें इसको अच्छे से भूनना होगा। तो हमने इसको ढक दिया है 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट बाद मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन और भी छोड़ना बाकी है, तो हम इसको फिर से मिलाएंगे और इसमें दे देंगे मसाले का घोल जो मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर और मिर्च पाउडर से मिला के बनाया था घोल, उसे भी मैंने डाल दिया है। अभी हम इसमें दे देंगे थोड़ा सा चीनी, और थोड़ा सा चीनी, करीब आधा चम्मच चीनी हम इसमें डालेंगे लगभग। इसको मिलाएंगे अच्छे से। आज थोड़ा तेल ज़्यादा हो गया है, आप थोड़ा संभल के तेल डालिएगा क्योंकि ज़्यादा तेल मसाला खाना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसको ढक दूंगी फिर से 5 मिनट के लिए। अभी 5 मिनट हो गया है, मसाले को और भी अच्छे से भुनना होगा। जब मसाले अच्छे से भुन चुके होंगे तभी ऊपर में से ज़्यादा तेल छोड़ना शुरू हो जाएगा, ऊपर में से एकदम लाल कलर का तेल हमें दिखाई पड़ेगा। 2 मिनट बाद देखिए, हाँ अभी हमारा मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, एकदम मसालों में से तेल निकलना शुरू हो गया है। आलू हम इसमें डाल देंगे अभी। मसाले को अच्छे से आलू के साथ हम मिलाएंगे ताकि आलू जो है उसका सभी फ्लेवर अब्सॉर्ब कर सके। अभी हम डाल देंगे 1 बोल पानी। अभी हम इसमें दे देंगे पनीर भी क्योंकि हमारा आलू उबल चुका है। मिला लेंगे सभी को अच्छे से और हमारा डिश लगभग तैयार है। आलू भी सॉफ्ट हो गया है, ग्रेवी भी अच्छे से हो गया है। हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे ताकि पनीर जो है ग्रेवी का जो टेस्ट है सभी मसाले का वो एब्जॉर्ब कर सके। देखिए 5 मिनट हो गया है, इस समय आप थोड़ा नमक चेक कर लीजिएगा। गैस को हमने कर दिया है बंद। आधा चम्मच घी हम इसमें मिला देंगे। और दे देंगे करीब आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। ये गरम मसाला पाउडर मेरे एक कलीग ने मुझे ला के दिया था, बहुत ही अच्छा है तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ अभी। तो देखिए हमारा पनीर रेडी है, आप भी इसको घर पर बनाइए।